हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भुगतान शेष। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। इसमें हम लोगों ने कवर अप करा था बेसिकली चालू खाता को, कि उसमें कौन कौन सी मदों को शामिल किया जाता है, कौन सी मदों को शामिल नहीं किया जाता है और उसका क्या कंसेप्ट था। सो बेसिकली बच्चों, पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। सो ये आप लोगों के एग्ज़ाम में मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये 6 मार्क्स को कवर अप कर रहा है। सो आई होप आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली तरीके से दे पाएँ। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पूंजी खाता, डैट इज़ कैपिटल अकाउंट। सो मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में समझाया था कि भुगतान शेष के 2 अकाउंट होते हैं। भुगतान शेष के टोटल 2 अकाउंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वाला है चालू खाता, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो में समझा चुकी हूँ। और सेकंड वाला अकाउंट कौन सा होता है? पूंजी खाता। सो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि भुगतान शेष के 2 खाते होते हैं, उसमें फर्स्ट है चालू खाता और दूसरा है पूंजी खाता। सो जो आज का हमारा टॉपिक है, हम इसमें स्टडी करेंगे पूंजी खाते को, कैपिटल अकाउंट को। सो बच्चों, ये कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, मीन्स कि जो भी लेन देन किया जाएगा, सो उन लेन देनों से मेरी परिसंपत्ति में चेंज आएगा, मुझे मेरी एसेट्स में चेंज देखने को मिलेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? पूंजीगत खाता। लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैंने बिल्डिंग खरीद ली, मैंने कोई कंपनी खरीद ली या मैंने कोई फैक्ट्री खरीद ली, तो अब होगा क्या? अब ऐसा नहीं है जो मैंने बिल्डिंग, कंपनी, फैक्ट्री खरीदी है वो मैं उनकी जगह से उठा करके अपनी जगह पर उसको मैं स्थापित कर लूँगी। नो, ऐसा नहीं होगा। बट इसके अंदर क्या होगा? मालिकाना हक जो है वो मेरे पास आ जाएगा। इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट और जो ऑनरशिप होती है, जो मालिकाना हक होता है, वो चेंज हो जाएगा। सो बेसिकली इनको हम क्या कहते हैं? पूंजी खाता। बिल्डिंग, कंपनी और ऑफिस या फैक्ट्री से मेरे एसेट्स में वृद्धि होगी, मेरी परिसंपत्ति में मुझे इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी तो मैं उसको उसकी जगह पे से उठा करके किसी और दूसरी जगह स्थापित कर दूं। नो, ऐसा तो नहीं है ना। वो बिल्डिंग जहाँ है वो वहीं रहेगी, जो कंपनी जहाँ है वो वहीं रहेगी, जो ऑफिस, जो बिजनेस, जो कंपनी, जो बिल्डिंग अपनी जगह है वो अपनी जगह ही रहेगी। बट उसके अंदर क्या चेंज होगा? ऑनरशिप चेंज होगी, उसके अंदर मालिकाना हक चेंज होगा। सो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं पूंजी खाता। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि पूंजी खाता क्या होता है। सो अगर अब मैं यहाँ कार लिखती हूँ, तो यहाँ पर कार क्या होगा? यहाँ कार कैपिटल अकाउंट होगा, पूंजी खाता होगा या चालू खाता होगा? क्योंकि बच्चों, अब कार क्या होगा? मैं कार मेरे कंपनी से कार खरीद ली, तो अब वो कार अपनी जगह से शिफ्ट होकर के मेरे पास आ गई है, तो ये कार क्या होगी? यस, ये कार होगी चालू खाता। इसे हम करंट अकाउंट में इंक्लूड करेंगे, ना कि पूंजी खाता में, क्योंकि पूंजी खाता में क्या है? जो चीज़ अपनी जगह है वो वहीं रहती है जहाँ वो है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी तो मैं उस बिल्डिंग को उठा करके किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगी। नो, ऐसा नहीं है। अब लाइक मैंने कार खरीदी, मैंने बाइक, स्कूटी, एक्टिवा या मैंने हेलीकॉप्टर खरीदा, तो उसके अंदर क्या होगा? अब उस पर कंपनी का अधिकार नहीं है, अब वो मेरी एसेट है, वो मेरी परिसंपत्ति है, वो मेरे पास है, मैं उसे जहाँ चाहूँ मैं उसे वहाँ रख सकती हूँ। सो उसको हम क्या बोलेंगे? चालू खाता बोलेंगे, जिसे हम अपनी जगह से शिफ्ट कर सकते हैं। और जिसे हम अपनी जगह से शिफ्ट नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? पूंजी खाता। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, पूंजी खाता और चालू खाता। तो बेसिकली वो आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे देगा, तो उसमें आप लोगों को लिखना होगा ये चालू खाता, इसे चालू खाते में इंक्लूड करेंगे या पूंजी खाते में इंक्लूड करेंगे। अब आप लोगों को मैंने अच्छे से इसका कंसेप्ट बता दिया है, जो भी शिफ्ट होगा वो आप लोग चालू खाता की मदों में शामिल करोगे, जो शिफ्ट नहीं होगा, जो अपनी जगह रहेगा, सिर्फ मालिकाना हक चेंज होगा, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, एप्लीकेशन लगेगी
बट वो परिसंपत्ति अपनी जगह पर ही रहेगी तो वो क्या कहलाएगा, पूंजी खाता। सो बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट साइड समझाती हूँ। तो क्रेडिट साइड क्या होता है बच्चों, इसमें वो आइटम होती हैं जिसमें वो आइटम रखेंगे जो हमारे पास आई हैं। सो जो भी हमारे पास आता है हम उसे प्लस से शो करेंगे और जो भी हमारे पास से जाएगा उसे हम माइनस से शो करेंगे। अभी क्रेडिट साइड क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई गुड्स है, लाइक कोई वस्तु है, अगर उसका मैंने निर्यात किया है, मीन्स कि उसको मैंने बाहर देश से या किसी बाहर देश विदेशों से उसको मैंने ख़रीदा है, तो उसके बदले मैंने क्या करी होगी, मैंने पेमेंट करी होगी, तो मेरे पास से जो पैसा है वो गया है। अब आप लोग मुझे खुद बताओ कि हम इसे क्रेडिट में शामिल करेंगे प्लस में या डेबिट में साइड करेंगे, डेबिट में काउंट करेंगे माइनस में। यस ऑब्वियसली, क्योंकि अब मेरे पास से पैसा गया है तो हम इसे लेंगे माइनस में, क्योंकि मैंने कोई वस्तु खरीदी है बाहर देश विदेशों से और उसके बदले मैंने पैसे दिए, तो मेरे पास से पैसा गया, मेरी कंट्री की तरफ से पैसा गया है, तो हम इसे माइनस साइड्स में लेंगे। एंड द नेक्स्ट वाला, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कोई गुड हमारे देश के अंदर आयात हुई है, मीन्स कि बाहर देश विदेश के लोगों ने हमारी कंट्री से माल को, गुड्स को ख़रीदा है, तो उसके अंदर क्या होगा कि अब वो लोग ख़रीद रहे हैं जो देश विदेशों में बैठे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो लोग मुझे इस वस्तु के बदले में पैसे देंगे, तो पैसा क्या होगा, मेरे पास आएगा, तो हम इसे कौन सी साइड में लेंगे, प्लस में लेंगे। ऐसी लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कोई सेवा हो गई, अगर मैंने बाहर देशों में सेवा दी है, यहाँ मैं सेवा दी है की बात कर रही हूँ, फ्रॉम अबॉर्ड, बाहर देश विदेशों में, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगी, मुझे पेमेंट मिलेगी, तो हम इसे कौन सी साइड में रखेंगे, हम इसे रखेंगे प्लस साइड में। और अगर मैंने बाहर देश विदेशों से सेवा ली है तो इस जो मैंने सेवा ली है उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ पेमेंट करनी होगी, तो वो फिर हम किस में लिखेंगे, डेबिट साइड के माइनस में लिखेंगे, क्योंकि मैंने बाहर देश विदेशों से सेवा को लिया है, क्योंकि अभी ये मैंने लिया है तो उसके बदले में मुझे पेमेंट देनी होगी, मुझे भुगतान करना होगा, सो इसलिए हम इसको डेबिट साइड माइनस साइड के अंदर इंक्लूड करेंगे। लाइक हम थर्ड एग्जांपल समझते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट है मैंने बाहर कंट्री में की है, अगर मैंने बाहर कंट्री में की है तो उसका मतलब क्या होगा कि मेरी तरफ से पैसा गया है, मेरी कंट्री ने बाहर फॉरेन में पैसों को इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, तो हमारी कंट्री से क्या हुआ है, पैसा गया है, तो बेसिकली वो हम किस साइड में करेंगे, यस हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड के माइनस साइड में। और अगर बाहर से कंट्री ने, लाइक फॉरेन कंट्री हो गई, उन्होंने हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया है, तो अब हमारी कंपनी में पैसा आया है, हमारी कंट्री में पैसा है, उन्होंने हमारी कंट्री में निवेश किया है, तो उसे हम कौन से साइड में लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में प्लस साइड में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आया है, और अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पैसे हमारे देश से पैसा जाएगा जो हम माइनस में लिखेंगे। सो ऐसे लाइक बच्चों बहुत सारे एग्जांपल है, बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो जाएगा सो उसमें आप लोग माइनस लिखोगे, जो हमारी कंट्री में आएगा उसमें हम प्लस, मीन्स के हम उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन सी आइटम को हम डेबिट में लिखेंगे और कौन सी आइटम्स को हम क्रेडिट साइड्स में लिखेंगे। सो बच्चों ये क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। मैंने बाहर देश विदेशों से लोन लिया है, तो अब आप लोगों को बताना है ये मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगी या डेबिट में लिखूंगी, या माइनस में जाएगा या प्लस में जाएगा। और अगर मैंने बाहर देश विदेशों को लोन दिया है, टू अबॉर्ड, मैंने बाहर देश विदेशों को लोन दिया है, तो अब आप लोग मुझे बताओ कि इसे मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगी या मैं डेबिट साइड में लिखूंगी। सो बच्चों आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कौन से आइटम्स को हम क्रेडिट में लिखते हैं और कौन से आइटम्स को, कौन सी मदों को हम डेबिट साइड में लिखते हैं। सो अब मैं आप लोगों को इसके आगे का समझाती हूँ, पूंजी खाता के, कैपिटल अकाउंट का, कि बेसिकली इसके अंदर कौन कौन सी मदों को शामिल किया जाता है पूंजी खाता में।
सो बच्चों बेसिकली आप लोगों को पूरा चार्ट अपने एग्जाम में बना करके आए। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे कि भुगतान शेष के पूंजी खाते के घटक की जो BOP है उसका जो दूसरा अकाउंट है पूंजी खाता उसकी कौन कौन सी मदियां शामिल करती है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे जो फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट वाला है बच्चों फॉरेन इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेश। बेसिकली यहाँ हम निवेश को स्टडी करेंगे, इन्वेस्टमेंट को। सो उसके अंदर दो टाइप्स हैं बच्चों। पहला टाइप है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, और दूसरा क्या है बच्चों FII जिसे हम पोर्टफोलियो निवेश भी कहते हैं या विदेशी संस्थागत निवेश भी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अगर मैंने अभी मैं आप लोगों को FDI समझा रही हूँ, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने किसी परिसंपत्ति में इन्वेस्टमेंट किया है लाइक कंपनी हो गई, बिल्डिंग हो गई, फैक्ट्री हो गई, तो अगर मैंने किसी कंपनी फैक्ट्री अगर मीन्स कि मैंने एसेट में क्या करा है, मैंने यहाँ पर किसी परिसंपत्ति में एसेट में इन्वेस्टमेंट करा है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को बच्चों हम क्या कहते हैं FDI विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं। लाइक मैं किसी बाहर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूँगी, किसी बिल्डिंग में, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, तो ऐसे सारे निवेश को हम क्या कहते हैं FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि विदेशी निवेश में फर्स्ट वाला FDI क्या होता है। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूँ FII की, विदेशी संस्थागत निवेश, आप लोगों को इसे दोनों नाम से याद रखना है कि हम इसे विदेशी संस्थागत निवेश भी कहते हैं और पोर्टफोलियो निवेश भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है एग्ज़ाम के अंदर ये आप लोगों से ये टर्म भी पूछ लेगा या ये इस टर्म में आप लोगों को पूछ लेगा कि पोर्टफोलियो निवेश क्या है, या वो ऐसे करके पूछ लेगा कि विदेशी संस्थागत निवेश क्या है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विदेशी संस्थागत निवेश क्या है। तो बच्चों इन दोनों को ही हम FII कहते हैं। सो अब हम समझते हैं FII क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर मैं किसी शेयर के ऊपर, मैं किसी ब्रांड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो उसे हम क्या बोलेंगे FII बोलेंगे। FDI क्या था, अगर मैं किसी परिसंपत्ति पर इन्वेस्टमेंट करती हूँ, किसी एसेट पर निवेश करती हूँ, तो वो FDI है। लेकिन अगर मैं किसी शेयर पर इन्वेस्टमेंट करती हूँ, बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर्स होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे FII पोर्टफोलियो निवेश। बेसिकली सिंपल भाषा में शेयर पर अगर हम निवेश करेंगे, शेयर पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो FII कहलाएगा। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो सेकंड वाला है बोरोइंग उधार। सो बेसिकली बच्चों ये बोरिंग भी ये जो उधार है वो भी दो टाइप के हमें स्टडी करने हैं, पहली भारी सहायता और दूसरा भारी वाणिज्यिक उधार। लाइक मैं बाहर से लोन ले लूँगी, मैं देश विदेशों से लोन ले लूँगी, तो उस कैटेगरी में क्या होगा कि मेरे पास पैसा आएगा। अगर मैं उधार लूँगी लाइक कोई बैंक हो गया, या मैंने बाहर देश विदेशों से बेसिकली मैंने फॉरेन से लोन लिया है, तो इसको हम कौन सी साइड में इंक्लूड करेंगे बच्चों, इसे हम प्लस में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मैंने लोन लिया है, मैंने बोरोइंग्स करी हैं, तो मेरे पास पैसा आया है, मैंने बाहरी सहायता ली है। अब बोरोइंग भी दो टाइप की होंगी बच्चों। अगर मैंने लोन लिया है तो मेरे पास आएगा, तो हम इसे प्लस में रखेंगे, और अगर मैंने लोन को दिया है तो उसे हम माइनस में डेबिट साइड में रखेंगे। अगर मैंने लोन लिया है तो मेरे पास आया है, उसे हम प्लस में रखेंगे क्रेडिट साइड में, और अगर लोन मैंने बाहर देश विदेशों में दिया है, मैंने बोरोइंग्स करी है, तो उसको हम रखेंगे माइनस में डेबिट साइड में, क्योंकि हमारी तरफ से, हमारी कंट्री की तरफ से पैसा गया है। अब लाइक जैसे यहाँ पर बच्चों NRI दे रखा है कि बाहर से किसी NRI ने इन्वेस्टमेंट करा है, मेरे देश में निवेश करा है, मेरे देश के अंदर अपने डिपॉजिट जमा कराए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसे हम प्लस साइड में रखेंगे क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर मेरे देश में किसी NRI ने बाहर इन्वेस्टमेंट करा है, तो उसे हम कौन से आइटम में, कौन सी मद में इंक्लूड करेंगे, डेबिट में इंक्लूड करेंगे। लाइक ऐसे ही बच्चों बैंकिंग जमाएं हो गई, अल्पकालीन व्यापारिक जमाएं हो गई, जो हम लोग
जो हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं लाइक या अन्य प्रवाह हो गई। सो बच्चों ये आप लोगों को क्रेडिट और डेबिट में चेंज करना आना चाहिए। लाइक एनआरआई जमाएं, अगर कोई एनआरआई बाहर से फॉरेन हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो प्लस में, अगर मेरे यहाँ से कंट्री से कोई या लाइक मैं ही जमाएं करूँगी बाहर देश विदेश में इन्वेस्टमेंट करूँगी तो वो नेगेटिव में जाएगा। सो आप लोगों को एग्ज़ाम में ये फुल चार्ट बना करके आना है ताकि आप लोगों का जो आंसर है वो अट्रैक्टिव लगे, आई कैचिंग लगे। सो बच्चों अब इसका यहाँ लास्ट वाला कंपोनेंट रहता है, डेट इज़ FER, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो बच्चों ये वाला टॉपिक भी आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है और ये भी पूंजी खाते का ही एक घटक है, तो आप लोगों को इसको नाम दे देना है पॉइंट नंबर 4, क्योंकि अभी तक ये हमने यहाँ पर पॉइंट 2 को स्टडी करा है। लाइक कौन कौन से पॉइंट को, पॉइंट नंबर 1 विदेश निवेश, उसके पार्ट थे पॉइंट 2 तो उसके पार्ट थे, तो आप लोग इसे बच्चों लिखोगे पॉइंट नंबर 4th, उसका नाम क्या है, सरकारी कोष खाता ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब आप लोगों को ध्यान से समझना है क्योंकि बच्चे इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो बेसिकली ये थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, बट मैं आप लोगों को इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद कभी भी इस टॉपिक में कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है मीन्स कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जो बाहर देश विदेशों से भंडार आता है लाइक जो डॉलर्स आते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व होता है, जो भंडार होता है वो अपने पास कौन इकट्ठा करके रखता है एज अ रिजर्व, उसकी बेसिकली बच्चों कस्टडी कौन करता है, तो बच्चों उसकी कस्टोडी करता है RBI, मीन्स कि RBI के पास अधिकार है, लाइक हमारी कंट्री का बैंकों का भी बैंक कौन है, RBI, तो उस RBI के पास अधिकार है कि वो फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, जो बाहर कंट्री का जो भंडार होता है, जो बाहर कंट्री का जो रिजर्व का भंडार होता है वो अपने पास कौन रखेगा बच्चों, वो RBI रखेगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये हुआ कि जो भंडार रखेगा बाहर कंट्री का वो अपने पास कौन रखेगा, वो अपने पास RBI रखेगा, तो सब बैंकों का भी बैंक होता है डेट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। सो बच्चों बेसिकली जो RBI है वो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है, उसके पास एकमात्र अधिकार होता है कि जो विदेशी मुद्रा होती है उसका भंडार अपने पास रखेगा, डेट इज़ कस्टोडियन फॉरेक्स रिजर्व, जिसे हम हिंदी में मुद्रा के कोषों का संरक्षण कहते हैं। तो बच्चों इसने यहाँ पर बोला है कि समूचे शेष धनात्मक होता है तो इस कारण सरकारी कोषों में वृद्धि होती है, इसलिए हम इसे ऋणात्मक लेते हैं। बच्चों इसने बोला है अगर मैं, अच्छा सबसे पहले आप लोगों को यह दो पॉइंट याद रखने हैं, कौन से पॉइंट, कि अगर हम लोग मीन्स कि हमारी कंट्री इंडिया RBI से पैसे निकाल रही है तो उसका मतलब क्या होगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो प्लस में आएगा, मीन्स कि अगर हम लोग विदड्रॉल करते हैं, क्या करते हैं हम RBI से अगर हम विदड्रॉल कर रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है बेसिकली कि RBI जो है वो कंट्री में पैसा डाल रहा है, जो उसके पास बाहर का देश विदेशों का भंडार है वो अपनी कंट्री के अंदर डाल रहा है पैसा, तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि RBI के पास जो पैसा है, जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कंट्री में भेज रहा है, मीन्स कि आप लोग RBI से पैसा निकाल रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये प्लस में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि अगर समूचे शेष धनात्मक होता है मीन्स कि अब RBI से पैसा आ रहा है, यहाँ पर पैसा आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि कोषों में वृद्धि होगी अगर आप लोग निकाल रहे हो, और वहीं अगर हम लोग इसमें अपने पैसे को डाल रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, पैसे को RBI में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, अब हमारे पास से पैसा जा रहा है, कंट्री से पैसा जा रहा है, तो हम इसे माइनस में लिखेंगे मीन्स कि डेबिट साइड में लिखेंगे। सो आई होप अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सरकारी कोषों में वृद्धि का मतलब और धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली माइनस का मतलब क्या होगा, जब आप लोग पैसे डालोगे मीन्स कि जब कंट्री RBI में पैसे डालेगी, अब पैसे डालने का मतलब क्या है कि कंट्री से पैसा जा रहा है, अब RBI के पास एक्स्ट्रा है शेष है,
मीन्स कि कुछ सरप्लस में है तो आरबीआई ने कंट्री में पैसा डाला, मीन्स कि हमने आरबीआई से पैसा निकाला। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि पैसा आया तो वो कौन सी साइड में लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। मैं आप लोगों के लिए थ्योरिकल रीड करती हूँ। सो बच्चों यहाँ पर ये लिखा हुआ कि अगर ये शेष धनात्मक है, मीन्स कि अगर हम प्लस कर रहे हैं, आरबीआई पैसा डाल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सरकारी कोषों में वृद्धि है, क्योंकि आरबीआई के पास एक्स्ट्रा है तो वो इसलिए कंट्री में डाल रहा है, तो वो प्लस में है, वो क्रेडिट साइड में, इसलिए वृद्धि हो रही है। और अगर यहाँ पर समूचे शेष ऋणात्मक है, मीन्स कि क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि सरकारी कोषों में कमी होती है, मीन्स कि हमारी कंट्री से पैसा जा रहा है, हम लोग आरबीआई में डाल रहे हैं, तो हमारे पास कोषों की कमी हो रही है। सो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सरकारी कोष खाता। सो बच्चों अब आप लोगों को होमवर्क है कि आप लोग हेडिंग डालो और इन सब टर्म को डिफाइन करते रहो, और इसके साथ ही आप लोगों को ये वाला डायग्राम भी बनाना है अपनी नोटबुक रजिस्टर में, क्योंकि आप लोग लिख लिख के याद करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप हेडिंग डालो भुगतान शेष के पूंजी खाते के घटक और आप लोग उसे खुद से बनाना शुरू करो। इसी तरह आप हेडिंग डालो सरकारी कोष खाता और उसको एक्सप्लेन करो कि जो आरबीआई होता है वो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है, इसके पास अधिकार होता है कि ये बाहर करेंसी का भंडार अपने पास रखेगा। बेसिकली इसके पास एकमात्र अधिकार होता है जिसे हम मुद्रा के कोषों का संरक्षण कहते हैं। और समूची शेष धनात्मक का मतलब क्या होगा बच्चों के सरकारी कोष में वृद्धि हो रही है, आरबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो तो कंट्री में डाल रहा है। और वहीं इसके नेगेटिव का मतलब क्या है कि सरकारी कोष में कमी होगी, हमारी कंट्री की तरफ से पैसा जा रहा है आरबीआई की तरफ, तो कंट्री में कोषों में कमी आएगी। सो आप लोगों को इस तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर लिखना है ताकि आप लोग एग्ज़ाम में भी इसे बहुत अच्छे से लिख पाओ। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे आगे के इसके टॉपिक्स को, एंड देन आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल भी कवर अप करवाऊंगी। बेसिकली हम इसके अंदर कोई टॉपिक या ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम से बाहर हो। सो हम लोग इसमें कवर अप करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन का आंसर ईजिली तरीके से दे पाए, हम कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम लोग समझेंगे इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट को। सो जब तक के लिए गुड बाय।